वेलकम बैक दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त कासम हारून और आप देख रहे हैं कासम फिशरमैन चैनल। दोस्तों नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हम लोग नाइट में फ़िशिंग करने वाले हैं। जो नाइट में फ़िशिंग हम लोग अभी अभी जो नाइट के दरमियान रात के 10 बजे निकले थे फ़िशिंग के लिए, और हम लोग अभी थोड़ी देर में जाली डालने वाले हैं, तो वो मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा कि किस तरह से हम लोग जाली डालते हैं। और मैं आपको एक बात और बताता चलूं, दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बटन को दबाइए ताकि नए से नए वीडियो आपको मिले। और मुझसे जो बात करनी हो और इंस्टाग्राम पर मैंने लिंक भेज दी गई है, तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। और बहुत से दोस्तों कॉमेंट करके बोल रहे हैं कि आप हमसे बात नहीं करते या फिर आपका मोबाइल नंबर चाहिए, तो दोस्तों मोबाइल नंबर मैं आपको ज़रूर दूंगा। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए ताकि मैं इंस्टाग्राम पर मैं आपको मोबाइल नंबर भी दे सकूं और मैं आपसे बात भी कर सकूं। तो जाली छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों जाली हम लोग किस तरह से जाली पानी में डाल रहे हैं। तो वो जाली छोड़ने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो सारे जो पानी जाली को गहराई के अंदर पानी मारना पड़ता है जाली के ऊपर, ताकि वो जाली पानी में सही तरीके से जा सके। तो देखिए दोस्तों अभी हम लोग जाली छोड़ने का शुरू कर दी गई है, तो हम लोग अभी जाली छोड़ रहे हैं। तो एक तरफ से जो नवाज़ भाई है वो जो घोटा होता है, जो पत्थर होता है, वो पानी में डाल रहे हैं। और दूसरी तरफ से जो हमारे गोतू भाई है और दूसरे बोट के जो मेंबर है वो अलग अलग काम कर रहे हैं। तो हम लोग इसी तरह से जाली डालते हैं पानी में, और आप देखते रहिए किस तरह से हम लोग पानी में जाली डाल रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। और सारे जो जाली पानी में डालने के बाद मैं आपको और एक चीज़ बताता चलूँ कि सारे जो हमने पानी में जो अभी आपको जो दिखाई दे रहे हैं, जो जहाँ से एक तरफ से जो गोतू भाई है वो आगे से जो रस्सी को खोल रहे हैं, देखिए दोस्तों जो रस्सी गोतू भाई जो खोल रहे हैं, वो रस्सी हम लोग लास्ट में उसमें बड़ा सा पत्थर बांध के आखिर में उसको पानी में डालेंगे। तो किस तरह से देखिए दोस्तों, वो अलग से जो रस्सी होती है वो अलग से बांधनी पड़ती है उसमें जाली में, वो रस्सी जल्दी करो। देखिए दोस्तों जो आखिर में जो फैजल भाई जो है वो आखिर जो रस्सी बांध रहे हैं, वो रस्सी हमको जो बोट में बांधने के लिए वो रस्सी इस्तेमाल करते हैं, ताकि बोट जाली के ऊपर सही तरीके से बनी रहे। और इसी तरह से हम लोग जो जाली पानी में डाल दी गई है, इसी तरह से हमने जो पानी में दोस्तों ये बात तो थी जाली पानी में डालने की। अभी हम लोग बात करने वाले हैं जो जाली पानी में उठाने की। जो अभी जो हम लोग खींच रहे हैं वो जो हमने आखिर में जो जाली पानी में डालते वक्त जो रस्सी बांधी थी वो रस्सी आ रही है। जो भाई आगे से एक साइड से रस्सी को खींच रहे, एक साइड से जो फैजल भाई है उन्होंने बड़ा सा पत्थर उठाया अभी जो आपको दिखाई दे रहा होगा, वो लास्ट में हमने जो पानी में जाली को पानी में डालते वक्त हमने वो पत्थर बांधा था इसमें, और अभी हम लोग जाली उठा रहे हैं। जो फैजल भाई है वो आगे से जो नवाज़ भाई जो पानी में जो पत्थर डाल रहे थे उनको छोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा जो जाली है अभी वो मशीन के अंदर फंस चुका है, तो फंस जाने के बाद हमने इनको वापस सही से करके वापस जाली उठाने को शुरू किया है। देखिए दोस्तों तो ये आया सैल्मन फिश, तो हमको जो अभी आया अभी जो डारा फिश आया है, तो जो फर्स्ट डारा फिश आया हमको अभी, तो वो डारा फिश को फैजल भाई जो देखिए वो निकाल रहा है, निकाल के वापस उसमें आगे रख दिए गए। और दूसरा अचानक से जो डारा फिश था वो अचानक से वो जाली के एकदम से ऊपर आ गया, और जो फैजल भाई है उनको जो डारा फिश को निकाल रहे हैं। देखिए दोस्तों तो अभी हमको दो मच्छी आई, तो जितनी ज़्यादा मच्छी नहीं आई लेकिन सिर्फ दो ही मच्छी आई है। उसमें
उतना काम हमारा नहीं बन पाएगा, हमको ज़्यादा मच्छी चाहिए, उससे भी ज़्यादा मच्छी चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग उससे भी ज़्यादा मछली पकड़ेंगे और आपको दिखाएंगे। ये नानका भाई था जो अभी बोट का जो नया मेंबर है। देखिए दोस्तों, जाली वापस मशीन के अंदर फंस चुकी है। तो हम लोग मशीन के अंदर वापस जाली फंस जाने के बाद बार बार निकलते हैं। देखिए दोस्तों, आगे दूसरा सेलमोन फिश आया, तीसरा। देखिए तो हमको तीन मछली आ चुकी है अभी अभी। तो इसी तरह से हम लोग मछली पकड़ते हैं। तो मछली हमको कुछ ज़्यादा नहीं आई, उसमें हमारा कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन जितनी भी आई उनको वापस पानी में तो नहीं डाला जाता ना, इसलिए हमको रखनी पड़ेगी। तो जाल उठाते उठाते शाम के 4 बजे से ले के रात के 8 बज चुके, हम लोग वापस अभी तक जाली उठा रहे हैं। आखिर में वो सारे जाली उठ चुके हैं जो जो फैजल भाई आगे से जो वापस आ रहे हैं, वो सारे जाली उठ चुके हैं। जो छोटी रस्सी होती है वो हमको मशीन में बांधना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से हम लोग जाली उठा रहे हैं, इसी तरह से मछली पकड़ रहे हैं। तो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और आगे आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि जो मछली पकड़ने से जो इंस्पायर होते हैं, जो जिसको फिशिंग में इंटरेस्ट है, वो सारे दोस्त जो मेरे जो ये वीडियो को देखे। और देखिए हमको जो तीन मच्छी आई थी, वो तो तीन मच्छी आगे हमको कोल्ड रूम में रखनी है उसको। तो देखिए दोस्तों, वो तीन मच्छी जो है वो कोल्ड रूम में रख रहे हैं। तो फैजल भाई देखिए, कोल्ड रूम का जो ढक्कन होता है, जो कोलम का जो दरवाज़ा होता है, उनको पकड़ के बैठे। और जो तीन मच्छी आई थी, हमको सेलमोन फिश कहते हैं उनको, और हमारी लैंग्वेज में उसको डारा फिश कहते हैं, उनको हम लोग कोल रूम में रख रहे हैं। तो इसी तरह से हम लोग मछली पकड़ते हैं और आइस में।